नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकित पारक हूँ। मैं बच्चों का चेस्ट एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूँ चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक न्यू दिल्ली में और बीएलके मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। क्या आपके बच्चे को स्नोरिंग या घर्राटे की प्रॉब्लम रहती है? क्या आप जानते हैं कि स्नोरिंग एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं उसका एक लक्षण सिम्टम हो सकता है? हमें कब डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि ये जो स्नोरिंग हमारे बच्चे को है या घर्राटे हमारे बच्चे को है ये स्लीप एपनिया का सिम्टम हो सकते हैं? तो इस वीडियो में हम समझते हैं कि स्नोरिंग क्यों होती है, ये कैसे बनती है, इसके क्या कारण है, हमें कब चिंतित होना चाहिए और कब एक स्लीप स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जब हम लेट जाते हैं तो हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती हैं नींद में, लेकिन हमारे सांस के रास्तों में फिर भी काफी जगह होती है और हम आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे सांस के रास्तों में जो जगह है, हमारे नोज के पीछे, हमारे नेजोफैरिंग्स के पीछे, हमारे जीभ के पीछे, हमारे गले में जो जगह है वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है। और जब ये जगह कम हो जाती है और जब वहां से हवा पास होती है तो जो हमारा तालू है, पैलेट है, उसका जो पीछे वाला हिस्सा है जिसको हम सॉफ्ट पैलेट कहते हैं, वो ऐसे फड़फड़ाने लगता है और इससे एक हार्श साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको स्नोरिंग या घर्राटे कहते हैं। ये देखा गया है वर्ल्ड ओवर की 10% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्नोरिंग की दिक्कत रहती है। इन सारे बच्चों में हमें चिंता नहीं होती है, लेकिन इन 10% बच्चों में से 25-30% बच्चे ऐसे हैं जिसमें स्नोरिंग अंडरलाइंग स्लीप एपनिया का लक्षण होता है। जिन बच्चों को स्नोरिंग कभी कभी होती है, वायरल इन्फेक्शन या जुकाम के साथ स्नोरिंग होती है, उसमें ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिन बच्चों में स्नोरिंग रेगुलर होती है, बहुत लाउड होती है, जिन बच्चों में साथ में कुछ और दिक्कत होती है जैसे कि गास्पिंग, वो उनको सांस लेने में रात को दिक्कत होती है, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो आके खुद बताते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चा बीच बीच में सांस रोक लेता है, इस चीज को एपनियाज कहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्नॉटिंग होती है, इस तरह से उनका सांस अटकने लगता है। कुछ बच्चे उल्टे होके ही सोते हैं, कुछ बच्चे बैठ के सोते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नींद में यूरिन कर देते हैं बेड पे। ये सारे ऐसे लक्षण हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ये जो स्नोरिंग है इसमें स्लीप एपनिया होने का चांस है। कुछ बच्चों को डे टाइम में भी सिम्टम्स या लक्षण आने लगते हैं। बड़े बच्चों में दिन में नींद ज्यादा आना, स्कूल में बस में आते हुए सो जाना एक कॉमन लक्षण है। बच्चों की फिजिकल कैपेसिटी कम हो जाती है, उनको लर्निंग में प्रॉब्लम होती है, उनको मेमोरी में प्रॉब्लम होती है और उनकी स्कूल परफॉर्मेंस डिटेरियरेट हो जाती है। जो छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बात नहीं सुनते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। ये सारे ही डे टाइम सिम्टम्स हैं स्लीप एपनिया के। तो यदि बच्चे को स्नोरिंग की दिक्कत है और उसको कोई लक्षण है जो ये सजेस्ट करता है कि ये स्नोरिंग स्लीप एपनिया के साथ एसोसिएटेड हो सकती है, या आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को कोई सिम्टम्स हैं डे में जो स्लीप एपनिया से एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो आपको एक स्लीप स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए। क्या इन्वेस्टिगेशन है, जांच है जिससे कि हम स्लीप एपनिया को कंफर्म कर सकते हैं? पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी एकमात्र इन्वेस्टिगेशन है जिससे कि स्लीप एपनिया का डायग्नोसिस बनाया जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन है जिसमें ओवरनाइट मॉनिटरिंग होती है एक चाइल्ड स्लीप लैब में। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं होते हैं, कुछ इन्वेसिव प्रोसीजर नहीं है,
इसमें हम दो बेल्ट्स लगाते हैं जो बच्चे की चेस्ट और टमी की मूवमेंट्स चेक करते हैं। एक यहाँ से बाहर से पाइप लगा देते हैं जो बच्चे की सांस को चेक करता है। एक ऑक्सीजन सेंसर होता है जो ऑक्सीजन लेवल्स चेक करता रहता है, और साथ ही में एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सेकेंड बाय सेकेंड कंप्यूटर में होती है। तो एक प्रॉपर पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी एक बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जो स्लीप एपनिया को प्रॉपरली डायग्नोज कर सकती है। तो यदि आपके बच्चे को स्नोरिंग की प्रॉब्लम है और उसको कोई ऐसा सिम्टम है जो हमें बताता है कि ये स्लीप एपनिया का लक्षण हो सकता है, या उसको कोई दिन में दिक्कत रहती है तो स्लीप एपनिया का लक्षण हो सकता है, तो आपको एक बच्चों के स्लीप स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करना चाहिए और उसका प्रॉपर जांच करानी चाहिए। धन्यवाद।